लेल के नेता, केंद्रीय नेता भी यहाँ पर आए। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी ने पहला रोड शो दौसा में किया और मोदी जी के रोड शो को यहाँ की जनता ने बिल्कुल नकार दिया। और हमारे कांग्रेस के मुद्दों के ऊपर, हमारे जो पिछली सरकार के विकास के कार्य थे उनके ऊपर, और जो चार महीना अराजकता रही बीजेपी के शासनकाल में, बिजली पानी की कमी रही, हमारे विकास के काम को रोक दिया गया। आज जनता तुलना करती है, हमारे पूरे जिले के अंदर जितने भी डेवलपमेंट के वर्क थे सब स्लो हो गए जो हमारे टाइम पे स्वीकृत हुए थे। इसके साथ साथ में जो केंद्र सरकार की विफलता थी 14 साल की, उनको लेकर हम जनता के बीच में गए। भारतीय संविधान संशोधन का मुद्दा हमारा था, हमारा आरक्षण का मुद्दा हमारा था, हमारा प्रजातंत्र को कमजोर करने का मुद्दा था, अग्निवीर के हमारे मुद्दे थे, बेरोजगारी के थे, युवा भारत में सबसे ज़्यादा है बेरोजगार है, नौकरियों का सृजन बीजेपी ने बिल्कुल नहीं किया। इन सब मुद्दों को लेकर गए, जनता ने उनको एक्सेप्ट किया और हम बहुत भारी बहुमत से कांग्रेस 15 साल के बाद में जीती। हम सब की ओर से हमारी सभी जनता का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने एक बात कही थी अभी कल ही कि 7 लोकसभा सीटों को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी दी थी उनको, अगर उनमें से एक भी सीट हारी तो इस्तीफा दे देंगे। ऐसा मैं डॉक्टर साहब बारे में कोई बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं कहता हूँ जिस क्षेत्र के अंदर मोदी जी आई और वो सीट इतने भारी बहुमत से राजस्थान में 2 लाख से हारी, तो सबसे पहले तो मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए इस मामले। करोड़ लाल जी व्यक्तिगत मामला, मैं कह रहा हूँ देखो, एक तो जनता का जो भी फैसला होता है सब नेताओं को स्वीकार करना चाहिए, और हार जीत का यदि फैसला होता है तो इनका इतना बड़ा नेता है वो यहाँ रोड शो कर गया और उसके बावजूद 2 लाख से वो हारे हैं, तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार तो करोड़ लाल जी जिम्मेदार है ही नहीं, जिम्मेदार ज़्यादा मोदी जी के जहाँ आए और फिर 2 लाख से हार गए वो। सर अभी ट्वीट आया किरोड़ लाल मीणा का कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण पर वचन नहीं था। ये सारी बातों का जवाब आप डॉक्टर साहब से पूछिए, मैं तो कहता हूँ जनता का जो भी फैसला हमको स्वीकार करना चाहिए। PCC कह रही है कि इस्तीफे का इंतजार रहेगा किरोड़ लाल जी का, मैं कह रहा हूँ जो फैसले होंगे सब हमको मान्य होंगे, जनता का फैसला सबको मान्य होगा, जनता ने फैसला कर दिया, ये सीट 2 लाख वोट से जिता दी। सर करोड़ लाल जी ने बयान दिया उसके पक्ष में आप कुछ बात क्यों नहीं कहना चाहते, क्या कारण? मैं नहीं कहना चाहता, मैं करोड़ लाल जी का नेचर जैसा भी वो भाई उनका फैसला है, वो बीजेपी के नेता है, बड़े नेता है, उनको जाने उनका काम जाने, हम हमारा काम कर रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं, जनता ने फैसला कर दिया, जनता उनकी विचारधारा से सहमत है, हमारी विचारधारा से सहमत है, ये रिजल्ट सामने आगे बोलने से क्या फायदा? इसका मतलब मित्रता है अभी आपकी? मित्रता देखो राजनीति में, मेरी बात सुनो, राजनीति में कोई वो नहीं होता है, मित्रता का मतलब ये नहीं है, अपने अपने विचारधारा है, हम कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, हम 36 कौम के लोग हैं, हम सभी धर्मों को साथ में लेकर चलने वाले लोग हैं, हम विकास के काम करने वाले लोग हैं, हम बेरोजगार को रोजगार देने वाले लोग हैं, हम हमारी विचारधारा पर काम करते हैं, हम उनकी विचारधारा पर नहीं जाते बीजेपी की। दौसा विधानसभा के लिए क्या रहेगा आगे? दौसा विधानसभा में जिसको भी पार्टी टिकट देगी हम सब बैठ के तय करेंगे, मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ दौसा की विधानसभा को हम जीतेंगे भारी बहुमत से, आप सुन लेना, आप मेरी बात को मानते नहीं हो सारे मीडिया वाले, क्योंकि आप पे भी मीडिया वाले, मेरा आपसे निवेदन है कृपा करके कहाँ मानते हैं, मैंने ये बताऊँ मेरी बात, मैं कह रहा था मजाक में ले रहे थे, मैंने कहा था दौसा लोकसभा सीट हम 1 लाख से लेकर 2.5-3 लाख के बीच में जीतेंगे, मैंने ये कहा था अगर हम राजस्थान के अंदर 8 से ज़्यादा सीट जीतेंगे, ये बहुत बात बोली कि नहीं बोली थी? सबसे तगड़ा एग्जिट पोल मुरार लाल मीणा है राजस्थान का, तुम इस बात को मानते हो? लोकसभा चुनाव जीतने के बाद में अपनी बेटी को वो मिले, ये सब फालतू बात तो मत किया करो, जनता जो फैसले तैयार है तुमको ये कुरेत कुरेत के लाते हो। पहली जीत हुई है।